आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 7 पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इन 1889 एन अमेरिकन नेम्ड हर्मन हॉलरिक इन्वेंटेड ए काउंटिंग मशीन कॉल्ड टेबुलेटिंग मशीन। 1889 में एक अमेरिकन जो थे हर्मन हॉलरिक, उनने एक काउंटिंग मशीन इन्वेंटेड की थी जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। उन्होंने क्या की थी, टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। इट वॉज द बेस्ड ऑन पंचोस कार्ड, और ये मशीन जो है पंचोस कार्ड पर बेस्ड थी। हर्मन हॉलरिक वॉज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी IBM। हर्मन हॉलरिक जो है वो फाउंडर है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी IBM के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के। मार्क वन वॉज डिजाइन बाय द इंजीनियर ऑफ IBM। मार्क वन जो है कंप्यूटर वो IBM के इंजीनियर द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, ये एक फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है। इट वॉज मेड इन 1944, ये 1944 में बना था। इट डिड नॉट नीड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वंस स्टार्टेड। इन 1942 ENISA इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वॉज बिल्ट बाय जॉन्स पी इकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैचली। ENISA जो है वो पी इकार्ट एंड जॉन बी मैचली द्वारा बनाया गया था। इट वॉज नॉन एज द फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर, और इसे फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। आफ्टर दिस सम अदर मॉडल्स वर इन्वेंटेड बाय जॉन इकार्ट एंड जॉन बी मैचली, सच एज EDBSE एंड UNIVAC। इनके बाद इन दोनों के द्वारा और भी कुछ जो है मॉडल्स बनाए गए हैं। EDVAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन रेफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोसेस। सिमिलरली वी कैन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखिए, जनरेशन रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, कोई से भी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ तो मतलब उसकी जनरेशन जो है चेंज हुई। द कंप्यूटर इन द पास्ट वर जस्ट नॉट लाइक कंप्यूटर टूडे, जो पास्ट में जो कंप्यूटर होते थे वो आज के कंप्यूटर नहीं है। इन द स्टार्टिंग कंप्यूटर वर विथ वेरी लेस फीचर, जो कंप्यूटर था पहले जो बहुत लेस फीचर के साथ था, बहुत कम फीचर के साथ था। डे बाई डे द टेक्नोलॉजी डेवलप न्यू फीचर्स एंड वर एडेड टू द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर एंड फास्टर। उसके बाद दिन ब दिन जो है कंप्यूटर के अंदर नए नए फीचर्स डलते गए और वो बहुत छोटा होता गया ताकि काम आसान भी हो जाए और जगह भी कम घेरे। द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन स्पेन ऑफ टाइम। देखिए, ये सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर उसके बाद ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, उसके बाद एक मिनी कंप्यूटर है, फिर उसके बाद फिर ये स्मार्टफोन जो मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हैंड हेल्ड है, और उसके बाद नोटबुक ही छोटा सा कंप्यूटर है, बिल्कुल इससे हम सब ऑपरेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली दिस द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन, लेट अस स्टडी ईच जनरेशन इंडिविजुअली। देखिए, कंप्यूटर जो है 5 जनरेशन में कन्वर्ट है, क्लासिफाइड किए गए। अब इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।